नहीं बेटा, कल हमने हैज हैव के नेगेटिव तक सेंटेंस कर चुके थे जिसमें सिंपल और नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे और एक्सरसाइज है और आपका ये हैज हैव का कंप्लीट हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैज या हैव से वाक्य आरंभ होता है जिसमें क्या वाले होते हैं। क्या वाले वाक्य में हैज और हैव स्टार्टिंग में लगेगा। क्या मेरे पास एक कुत्ता है, पास वाले से पता चले हैज हैव है और मेरे आई के साथ लगता है, आई के साथ क्या यूज किया जाएगा, हैव। तो क्या के जो क्या के सेंटेंस होते हैं उसमें जो ये वर्ब होती है आगे यूज की जाएगी, तो इसमें हैज सिंपल बनेगा, मेरे पास एक कुत्ता, आई हैव ए डॉग। तो हैव हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये हमारा पीछे चला जाएगा, हैव आई ए डॉग। क्या तुम्हारे पास दो कुत्ते हैं, यू के साथ क्या लगता है, हैव। क्या तुम्हारे, हैव उप आगे आ जाएगा, तुम्हारे यू टू डॉग्स क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में सभी के। क्या उसके पास कोट है, हैज ही ए कोट, हैज ही ए कोट। जिस तरह से मैंने एक सिंपल सा बना के दिखाती हूँ, उसके पास एक कोट है, ही हैज ए कोट, इससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। उसके पास एक कोट है, ही हैज ए कोट। तो आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव के अंदर जो आपको ये वर्ब दी हुई बेटा, ये आपको आगे लेके आनी है, बाकी सेम आपका सेंटेंस ऐसे ही रहेगा जैसे हमने बनाया, हैज इसके बाद ही ए कोट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस तरह से आपको ये निकाल के आगे लेके आना है, बाकी सेम सेंटेंस रहेगा आपका। उसके बाद है, क्या हमारे पास धन है, हैव वी वेल्थ। क्या उनके पास चाकू हैं, है के साथ बिंदी लगी हुई, इसे आपको पता चलेगा कि आपके ज़्यादा चाकू की बात हो रही है, हैव दे नाइज क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या राम के पास एक रुमाल है, हैज राम हैज हैंडकर चीफ। क्या आदमी के दो हाथ होते हैं, हैज ए मैन टू हैंड्स। तो आपके ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, हम साथ में लेते हैं इसकी एक्सरसाइज जिसमें मिक्सअप हो जाएंगे, सिंपल होंगे, नोट वाले होंगे और इंटरोगेटिव हो जाएंगे। मेरे पास एक टोपी है, आई हैव ए कैप, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। मेरे पास टोपी नहीं है, आई हैव नो कैप। थर्ड है इसी का, क्या मेरे पास टोपी है। तो देखो आपका ये जो हैव था आगे आ गया, बाकी आपका आई पीछे चले जाएगा, हैव आई कैप और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। आदमी की दो आंखें होती है, ए मैन हैज़ टू आइज, ए मैन हैज़ टू आइज। उन उसके पास पतंग नहीं है, उसके पास पतंग नहीं है, उसके के में लगेगा बेटा ही, सॉरी यहाँ पर ही आएगा आपका ही, अगर उनके होता तो आपके यहाँ लगता दे, ही हैज़ नो काइट। क्या तुम्हारे दांत है, यू के साथ लगता है, हैव आ जाएगा, हैव यू टीथ, हैव यू टीथ। अध्यापक के पास एक चौक है, द टीचर हैज़ ए चौक। आपके ये जो वोकैबरी है नीचे दी होती है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं आपके, यहाँ से आप यहाँ से भी हेल्प लेके बना सकते हो सेंटेंस को। लड़की के पास गुड़िया नहीं है, द गर्ल हैज़ नो डॉल। तो आपके ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और एक्सरसाइज के अंदर जो सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव के भी, ये आपके हैज और हैव के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा लेसन 5 चलेगा हैड का। तो बेटा आपको ये हैज और हैव कंप्लीट आपको सेंटेंस आने चाहिए, कुछ सेंटेंस आप खुद अपने पास से भी बना के देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेटा आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हमारा 5 चलेगा नेक्स्ट कल से। तो बेटा आपको जो सेंटेंस दिए हुए हैं सभी आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है। ओके।